नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। आजकल के बच्चे सच में कमाल कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर हो स्पोर्ट्स कैटेगरी में। और इसी कड़ी में देखा जाए तो इस वक्त जो हमारे साथ बच्चा है, इसका नाम है अरहान खान। उसने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि मुझे खुद आना पड़ा उससे बात करने के लिए। वो भी देश में नहीं, विदेश में जाके नाम करके आया है, और वो भी कराटे में। और इस वक्त हमारे साथ हैं अरहान, जिसको मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी मेरी तरफ से भी और यूपी लाइव टीवी की पूरी टीम की तरफ से भी, कि ये दुबई में जाकर देश का नाम रोशन करके आए। तो अरहान, कितने साल के हो तुम? 10 साल। 10 साल, yes. तो कैसा रहा अब भाई, तुम इंटरनेशनल चैंपियन बन गए हो? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग आ रही है। देश भी पहले भी नेशनल चैंपियन रहे हैं, आई थिंक दो बार। तो कब से कर रहे हो ये? 4 साल। 4 साल से, मतलब जब आप 6 साल के थे। तो यूएई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था, जिसमें आई थिंक 5 देशों को आपने बीट किया, वो कौन कौन से थे? आई थिंक यूएई, कतर एंड कुवैत एंड रशिया एंड वन मोर वाज देयर, आई डोंट रिमेम्बर। आई थिंक लास्ट फाइट आपका रशिया से था। यस, लास्ट था। यस। तो कैसा एक्सपीरियंस था, पहली बार बाहर ट्रिप लिया था इंटरनेशनल? काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। अच्छा एक्सपीरियंस था। यस। चलिए, अच्छा नाम रोशन करके आए। खैर, जितना मेहनत इन्होंने किया, वैसे ही कहते हैं ना कि गुरु के बिना हर स्टूडेंट अधूरा है। तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इनके कोच हैं जो इस वक्त हैं। तो सर, कैसे हैं आप? मैम बहुत अच्छे हैं। कितना प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चे पे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए भी और हमारे जो एकेडमी है चैंपियन और चैंपियंस कराटे एकेडमी, उसके लिए बहुत एक प्राउड का मोमेंट है हम लोग के लिए। मैम कितना मेहनत करना पड़ता है अरहान के लिए, क्योंकि अरहान ने 2 बार नेशनल और इस बार, मैं बता दूं, इंटरनेशनल में पहले किड्स के लिए नहीं था और ये पहली बार हुआ था, और जिसमें अपना कहेंगे ना हिस्ट्री क्रिएट करके आए हैं अरहान। पहला फर्स्ट यूएई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था। तो ये कैसे आप कॉन्टैक्ट करते हैं विदर, क्योंकि इंटरनेशनल तो समझ में आता है, तो कैसे वहाँ तक आपने अरहान को पहुँचाया? इसमें मैम मैं अपना नाम नहीं बोलूँगा, जो मेरे सर हैं सिंसे संतोष कुमार जसपाल सर, उनके थ्रू ही मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सर का जैसा रहता है कि एक होता है कि मतलब सब बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, बट मेरे पीछे भी बहुत लोग लगे हैं, जैसे मेरे सीनियर्स हो गए धीरज सर, श्याम सर, बाकी भी और लोग हैं जो मेरे पीछे लगे रहते हैं। जैसा जो सर तो है ही है कि मतलब सर का तो ये रहता है कि बेटा कहाँ हो, कैसे हो, ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं रहता साथ नहीं हूँ, बट सबका जो हाथ है वो सब मेरे सीनियर्स का और मेरे गुरु का है। क्या बात है। तो यहाँ पर भी इनको मोटिवेट करने के लिए इनके गुरु है, और इनके भी गुरु यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इन्होंने बताया। तो कितना टाइम तुम मेहनत करते हो? 2 घंटे और ऊपर से स्कूल वगैरह उससे पहले भी 1 घंटा। स्कूल्स भी है, 3 घंटे आप मतलब 6 to 7 hours स्कूल्स भी है, 3 hours आप यहाँ पर भी देते हो, क्या बात है। जो आपके एज के लोग हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? देखो, सबको अपना हार्डवर्क, बिना हार्डवर्क के टैलेंट कुछ नहीं है। क्या बात है भाई, एक लाइन में ही अरहान ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हार्डवर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर सफल होना है तो एक ही बस उपाय है, कह लीजिए हार्डवर्क है। और जो अरहान ने कमाल किया, जो कोच जी ने इनको इतना टाइम दिया, इसके अलावा भी कोई बच्चे इसमें पार्ट लिए? मैम ऑल ओवर इंडिया से मतलब बहुत लोगों ने पार्ट किया, बट यूपी से केवल अरहान गए थे, और इनका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था, और इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही मतलब हम लोग को अपने देश के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के जो हम लोग का सबका नाम रोशन किया। मैम क्या बात है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपके इंस्टीट्यूट को। तो ये थे हमारे अरहान, जिन्होंने एकदम कमाल कर दिया, वो भी देश में नहीं विदेश में जाके कमाल कर दिया। और इनसे जुड़े और भी अपडेट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे गेम होने वाले हैं और अरहान ऐसे ही कमाल करने वाले हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, यूपी का नहीं, लखनऊ का नाम रोशन कर दिए हैं। तो एक बार फिर से इनको बधाई, और इनसे जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।